हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है अमरजीत सिंह और आप देख रहे हैं अमरजीत मोटर। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि होंडा ने एक बाइक को लॉन्च किया है जो हीरो कंपनी की हीरो स्प्लेंडर प्लस बाइक को कड़ी टक्कर देगी। तो इस बाइक के बारे में मैं सारा कुछ आपको बताऊंगा, होंडा की कौन सी बाइक है, इसका कितना माइलेज है और ये बाइक आपको कितने में मिलने वाली है और क्या ये दमदार है स्प्लेंडर प्लस से, तो सारा कुछ आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो बने रहिए इस वीडियो में। इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड बेल आइकन को जरूर दबाएं और हमें इंस्टा पे फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए गाइस, बात करते हैं हम हीरो की नई बाइक के बारे में। देखिए गाइस, आज की डेट में भारतीय बाज़ार में होंडा ने अपनी बाइक को यानी CD 110 ड्रीम को लॉन्च कर दिया है और यह बाइक हीरो कंपनी की हीरो स्प्लेंडर प्लस को टक्कर देने वाली है। तो गाइस, बात करते हैं इसके फीचर्स के बारे में। होंडा सीडी ड्रीम ने अपने इंजन में काफ़ी बदलाव किया है। इस बाइक के इंजन में काफ़ी चेंजेस हुआ है। इस बाइक का जो इंजन है 109.5 सीसी का है और इसमें फ्यूल इंजेक्शन तकनीक का उपयोग किया गया है। इस बाइक की जो सीट है पहले कुछ छोटी होती थी, लेकिन इस बाइक की सीट को थोड़ा बड़ा कर दिया गया है। जो पहले CD 110 होती थी उससे कुछ बड़ा कर दिया गया है। बात करते हैं इसके वेट की। इस बाइक का वेट 112 किलोग्राम की यह बाइक है और यह बाइक 1 लीटर में 65 से 70 किलोमीटर का एवरेज देती है। यह बाइक बहुत ही अच्छी है और यह बाइक आपको 11 कलर में मिलने वाली है। आपको यह बाइक 11 कलर में मिल जाएगी, अलग अलग जो बहुत ही अच्छे कलर हैं। और बात करते हैं यह बाइक आपको कितने रुपए में मिलेगी, यानी जो आपको एक्स शोरूम की बात करते हैं या ऑन रोड कितने की पड़ेगी इसके बारे में बात करते हैं। आपको 2 वेरियंट में मिलने वाली है। यह आपको एक्स शोरूम में 64,000 से लेकर 65,000 तक मिलेगी। बात करें ऑन रोड की, ऑन रोड यह आपको लगभग 73,000 से 75,000 की पड़ जाएगी, यानी बड़े आराम से आप इस बाइक को 73,000 से 75,000 की पड़ जाएगी, मिल जाएगी आपको। अब बात करते हैं स्प्लेंडर प्लस और होंडा सिटी ड्रीम 110 में कौन ज़्यादा पावरफुल है। तो गाइस, आप हमें कमेंट करके बताएं आपको कौन सी बाइक अच्छी लगती है और कौन सी पावरफुल लगती है, तो हमें कमेंट ज़रूर करें। तो गाइस, हम मिलते हैं अगले वीडियो में। यह था हमारा आज का वीडियो, तो बाय बाय। तो गाइस, बात करते हैं होंडा की नई बाइक के बारे में।